subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत 8 अगस्त को अब तक का सबसे ज्यादा कोविड 19 केस 455 पाया गया है। इस तरह से कोरोना केस बढ़ना काफी भयभीत साबित हो रहा है। 455 को मिलाकर कुल आंकड़ा पहुंचा 18,149 तक। आज कोरोना महामारी से 521 लोग ठीक भी हुए हैं और अब तक कोरोना महामारी से कुल 14,073 लोग ठीक हो चुके हैं। 8 अगस्त को कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या 7 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा पहुंचा 461 तक। आज रैपिड एंटीजन टेस्ट 2,614 लोगों का हुआ है। अब तक कुल रैपिड एंटीजन टेस्ट 32,228 व्यक्तियों का हो चुका है और RT-PCR 36,443 है। 8 अगस्त को कोरोना महामारी क्षेत्र और संख्या इस तरह है। बेलापुर विभाग में कुल 75 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, 28 महिला 47 पुरुष हैं। नेरुल विभाग में 88 केस मिले हैं, इसमें 36 महिला 52 पुरुष हैं। वासी में 45 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, इसमें 17 महिला 28 पुरुष शामिल हैं। तुर्भे में 70 केस मिले हैं, 21 महिला 49 पुरुष शामिल हैं। कोपर खैरने में 64 केस मिले हैं, इसमें 25 महिला 39 पुरुष शामिल हैं। घनसोली में 43 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, इसमें 19 महिला 24 पुरुष शामिल हैं। एरोली में 65 केस मिले हैं, 27 महिला 38 पुरुष शामिल हैं। दीघा में 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, 1 महिला 4 पुरुष संक्रमित हुए हैं। 8 अगस्त को कोरोना महामारी से 521 लोग ठीक हुए हैं। पूरा ब्यौरा इस तरह दिया गया है। बेलापुर में 43, नेरुल में 114, वासी में 46, दुर्भे में 37, कोपर खैरने में 161, घनसोली में 67, एरोली में 36, दीघा से 17 लोग कोरोना महामारी को मात दिया है। आवाज टुडे, पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।